वेलकम बैक टू माय स्पेशल रेसिपी वीडियो। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मायो पोटैटो क्रोकट्स रेसिपी। इसमें जिन अज़ा की ज़रूरत पेश आएगी वो मैं आपको बता दूँ। ये आलू हैं, मैश हुए हुए, ये आधा किलो के करीब है। और ये अंडा है एक अदर, और ब्रेड क्रम्स हैं एक प्याली, और ये मायोनीज है हाफ कप, और ये धनिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने काट ली थी इसको, और ये आधी यानी ये आधी गड्ढी है जो है धनिया है उसको मैंने काट ली है। ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, और ये कुटी लाल मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून है नमक। ऑयल है 1 कप ऑयल है यूज़ होगा इसमें। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये धनिया हाफ डलेगी, हाफ डाल लेंगे इसमें, और ये मिर्चें भी हाफ डलेंगी। और ये काली मिर्च 1 टेबल स्पून, और 1.5 कुटी लाल मिर्च, सॉल्ट है 2 टेबल स्पून, और मायोनीज है, मायोनीज इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। अब इसको सब मैश कर लेंगे बिल्कुल मिक्स। देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मिक्स हो गया है। इसको अब ये मायोनीज जो बची है इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये इसको फेंट लेंगे थोड़ा, अंडे जाएंगे इसमें, हरी मिर्चें जो आधी डाली थी मैंने आधी इसमें डाल रही हूँ, और ये हरा धनिया इसमें पूरा जाएगा, तो हाफ बचाया था ना पूरा जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह करके इसके अंदर बिल्कुल कवर कर देंगे। मैं डिप करके इसको इसमें डिप करके ब्रेड क्रम्स में करके इसको इसी तरह बनाते रहेंगे। इसको ऐसे ही फील करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये बन चुके हैं मेरे को। अब इसको तलना है, ऑयल डालते फ्लेम
तेज कर दी है, तेज आंच में तले। ये गोल्डन ब्राउन हो रहे तब पहले इसको ये हो चुके इसको निकालना। इसी तरह फ्रेंड्स ये सारे तले हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं तल चुका है, ये फ्राई हो चुके हैं, मेरे को रेडी हो चुकी है रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक मुबारक हो, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।